Hello children, I am Gaurav. Today we will know what is the difference between a computer and a man. आज हम जानेंगे कि एक आदमी और एक कंप्यूटर के बीच में क्या अंतर होते हैं. Computer versus man. A computer works very fast and can do many jobs at the same time. एक कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है और वह एक समय में कई काम कर सकता है. A man needs more time to do any work as compared to a computer. एक कंप्यूटर की तुलना में इंसान उसी काम को ज़्यादा समय लेकर पूरा करता है. A computer has a good memory. It never forgets anything that is stored in it. एक कंप्यूटर कभी भी अपनी स्टोर्ड जानकारी को नहीं भूलता है. कंप्यूटर में जो कुछ भी सेव किया गया है वह उसको कभी नहीं भूलता जब तक कि उसे डिलीट करने का आदेश ना दिया जाए. A man may forget the information stored in his mind. जबकि एक आदमी जो कुछ याद करता है वह कभी ना कभी भूल जाता है, वह उसको हमेशा याद नहीं रख पाता. A computer does not make any mistake. कंप्यूटर गलती नहीं करता है. A man can make mistakes. आदमी गलतियां करता है. A computer cannot take its own decisions. एक कंप्यूटर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता. A man can take his own decisions. एक आदमी अपने खुद के निर्णय स्वयं ले सकता है. A computer work on a man's orders. एक कंप्यूटर किसी इंसान के आदेशों पर काम करता है. A man does not need any order to work. किसी इंसान को काम करने के लिए किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं होती. A computer does not have any feelings. For example, if you hit a monitor, it does not react. कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं. अगर आप मॉनिटर से टकरा जाएं या मॉनिटर को धक्का मार दें तब भी वह कोई रिएक्ट नहीं करेगा. जबकि a man has feelings. For example, if you get hurt, you feel it. पर एक आदमी को दुख होता है, एक आदमी में भावनाएं होती हैं. अगर आप दुखी हो जाएं, तो आप उसको महसूस करते हैं. 17. Every work that you do consists of three functions, input, process and output. Write the step to make a sandwich in a sequence and label them with IPO functions respectively in the circle. क्या करना है यहाँ पे? हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प से सैंडविच बनाने का प्रोसेस स्टेप वाइज सीक्वेंस से लिखना है. यहाँ पे 7 प्रोसेस दिखाए गए हैं पिक्चर्स में. इन्हीं प्रोसेस को आपको सीक्वेंस में लिखना है कि फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है, सेकंड प्रोसेस कौन सा है, थर्ड प्रोसेस कौन सा है, फोर्थ कौन सा है. इस तरह से लिखना है. और जो इसके आगे सर्किल दिया गया है उसमें लिखना है कि अगर ये इनपुट है तो आई लिखना है, अगर ये प्रोसेसिंग है या प्रोसेस है तो इसके आगे पी लिखना है, और अगर ये आउटपुट है, अगर ये रिज़ल्ट है तो इसके आगे ज़ीरो लिखना है. आंसर्स आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप इनको नोट कर लें. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा सैंडविच बनाने का फर्स्ट प्रोसेस क्या है? हमें उन रॉ मटेरियल की ज़रूरत है जिनसे सैंडविच को बनाएंगे, मतलब हमें इनपुट वाली चीज़ें चाहिए. तो फर्स्ट सर्किल में हम आई लिख लेंगे. फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है हमारा? तो फर्स्ट प्रोसेस है टेक टोस्टर ब्रेड स्लाइस एंड चॉप्ड वेजिटेबल्स. कटे हुए वेजिटेबल्स, टोस्टर, और हमें एक ब्रेड स्लाइस की ज़रूरत है. तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, इसलिए इसको फर्स्ट में राइट कर लेंगे. बाकी के सभी आंसर्स स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेंगे.
जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपका फर्स्ट स्टेप है सैंडविच बनाने का, टेक टोस्टर, ब्रेड स्लाइस एंड चॉप्ड वेजिटेबल्स। ये क्या है, ये हमारा इनपुट है। तो आगे जो ब्लू कलर का सर्किल दिया है उसमें हम आई लिखेंगे। उसी तरह से सेकंड वाला भी इनपुट है, थर्ड वाला प्रोसेस है, फोर्थ वाला प्रोसेस है, फिफ्थ वाला प्रोसेस है, सिक्स्थ वाला प्रोसेस है और सेवेंथ वाला आउटपुट है। इस तरह से आप इन आंसर्स को नोट कर लेंगे। वैसे आप इन आंसर्स को आंसर बुक जो आपको साथ में उपलब्ध करवाई जाएगी उससे देखकर लिखेंगे। दूसरी बात ये ध्यान देने वाली है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सा वर्क कॉपी में करना है और कौन सा बुक में। आपकी बुक में जो भी माई एक्टिविटी पोर्शन दिए गए हैं, जैसे पेज नंबर 16 पे, 17 पे, ये पोर्शंस को आपको बुक में फिल करना है। और जो लैब एक्टिविटी पोर्शन पेज नंबर 15 पे है, इसे आपको सॉल्व नहीं करना है। ये जब भी स्कूल ओपन होगा तो इसे लैब में एक्टिविटी कराई जाएगी और तब सॉल्व कराया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा पेज नंबर 13 और 14 है, जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस दी गई हैं, इन एक्सरसाइजेस को आपको फिल करना होगा जब आपको बताया जाएगा और आंसर शीट दी जाएगी तो उसे देखकर फिल किया जाएगा और इन्हें समझाया भी जाएगा। इसलिए अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको कौन सी वर्क को बुक में करना है और कौन से वर्क को कॉपी में करना है। अगर कोई वर्क वीडियो के अंदर आपको बताया जाता है कि इसे आपको कॉपी में नोट करना है तो उसे आप कॉपी में नोट कर लें। जैसे इस लेसन में आपको बताया गया था कि आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स को कॉपी में नोट कर लेना है, तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स को आपको कॉपी में नोट करना है। ओके, थैंक यू।